और उस विश्वास के आधार पर लोग अपेक्षाएं करते हैं, और उन अपेक्षाओं की पूर्ति हमारी सरकार बहुत अच्छे से कर रही है, और इसलिए लोगों को लगता है कि ये जो सरकार है ये हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति कर सकती है। विकास अपनी जगह है सर, लेकिन आजकल आदिवासी एक बड़ा मुद्दा, फिर पिछड़ा, फिर दलित, ये सब क्या है सर? ये जातीय समीकरण दुरुस्त करने की मजबूरी है या ये बहुत बड़ी आवश्यकता है अगर आप चुनाव जीतना है तो? सिर्फ विकास से काम नहीं चलेगा, जातिगत समीकरण आपको दुरुस्त करना पड़ेगा, जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। देखिए राकेश जी, हमें विकास के साथ साथ समाज की जो आर्थिक विषमता है, जो सामाजिक विषमता है, जो राजनीतिक विषमता है, वह भी हमें दूर करना पड़ेगा। हमें जो समाज पिछड़ा है, जो समाज गरीब है, उस समाज को हमें बराबरी पर लाकर खड़ा करना पड़ेगा। और आज भी हमारे देश में आर्थिक विषमता है, सामाजिक विषमता है, और इसलिए चाहे हमारा SC वर्ग हो चाहे ST वर्ग हो, इनको आरक्षण मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि आरक्षण अभी मिलना चाहिए। लेकिन पिछड़ा वर्ग एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है सर, मोदी सरकार से लेकर शिवराज, और आप तो इसको फ्रंट फुट पर डील भी कर रहे हैं, खेल भी रहे, इस लाइन को आगे भी बढ़ा रहे हैं। इस मुद्दे को आपने मध्य प्रदेश में शिवराज के बाद दूसरे नेता हैं जो पिछड़ा वर्ग को लेकर के आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है, और लगातार निशाने पे कमलनाथ को लेते रहे। ये बड़ा वोट बैंक है, ये चिंता भी भाजपा को सता रही है? नहीं, बड़ा वोट बैंक है ये कोई उसके पीछे कारण नहीं है राकेश जी। मूल कारण ये है कि मध्य प्रदेश में 52% और देश में भी वो स्थिति है, 52% पॉपुलेशन जो हमारे यहाँ है वो OBC में है, जो OBC वर्ग है उसके अंतर्गत है, और 52% के लिए जो रिजर्वेशन है वो 14% है। तो ये अन्याय है, और इसलिए जो पिछड़ा है सरकार मान रही है कि पिछड़ा है, और पिछड़ा अगर है तो उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, और इसलिए हम इस बात को मानते हैं कि OBC को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। हमने सामान्य वर्ग को, हमारी सरकार ने 10% आरक्षण दिया है, तो OBC को 52% पॉपुलेशन होने के बाद मात्र 14% उनको आरक्षण मिल रहा है। मामला न्यायालय में और है, काफी वाद विवाद भी है, मिलेगा कब तक? नहीं, हम लोग पूरी तरह से, हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध है, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से सारा अध्ययन करेगा, और वास्तविक स्थिति जो है हमारे पिछड़ा वर्ग की वो पूरा तथ्यों, तर्कों के साथ, प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करेगा, और उस आधार पर हम न्यायालय के सामने इस पक्ष को पूरी ताकत के साथ रखेंगे कि ये स्थिति आर्थिक, सामाजिक रूप से है, और इसलिए पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि अभी जो जबलपुर हाईकोर्ट में मामला है, उस मामले में कुल 3 एग्जाम के ऊपर हाईकोर्ट ने स्टे किया था, बाकी पर स्टे नहीं था, और इसलिए हम लोग बाकी रास्ता निकाल रहे हैं, रास्ता निकाल के, और जिन पे स्टे नहीं उन पे हम 27% आरक्षण दें, ये हम लोग कर रहे हैं, और जब कोर्ट का मामला आएगा तब आगे देखेंगे उसको। ये तो हुई सोशल इंजीनियरिंग सर, और संजीदा है भाजपा भी, आप भी, और आपके नेता शिवराज सिंह चौहान। लेकिन बात आती है सर पार्टी कार्यकर्ता की, किसानों को लेकर के और कर्मचारियों को लेकर, सौगात, चिंता, योजनाएं, ज्यादा बड़ी चुनौती कहाँ है सर? किसानों का भरोसा बरकरार रखना, जो पूरे देश की अपेक्षा यहाँ पर कम से कम BJP के साथ खड़ा नजर आता है, कोई आंदोलन नहीं, या वो कर्मचारी जो चुनाव के समय अचानक उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश, या वो पार्टी का कार्यकर्ता जो लगातार बदलती BJP से, तो उसकी अपेक्षाएं कुछ बढ़ गई हैं। अगर इन तीन की बात करें तो भाजपा के सामने या प्रबंधन के मोर्चे पर चुनौती कहाँ है? देखिए, सभी की अपनी अपनी समस्या है। किसान हमारे देश में, प्रदेश में 60-70% आबादी किसानों की है, जो कृषि पर आधारित है, और इसलिए किसान आगे नहीं बढ़ेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो हम किसानों की भी चिंता कर रहे हैं, उनके लिए भी सरकार से जो जो लाभ हो सकते हैं, जो जो चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो MSP बढ़ाने का मामला हो, चाहे बाकी मामले हों, वो करने का काम हमारी सरकार कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर। कर्मचारी हमारा रात दिन मेहनत करता है, काम करता है, और इसलिए कर्मचारियों को भी जो उनका TA DA है,
ये बढ़ोतरी होती रहती है, बढ़ोतरी फिर ऐलान कर दिया है, बढ़ोतरी का फिर ऐलान किया है। एक बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, और इन परिस्थितियों में जब हम कोरोना का सामना कर रहे हैं, ये भी कोरोना सर, कर्मचारी, किसान, कोरोना और फिर कार्यकर्ता, कोरोना जो एक बड़ी चुनौती थी, और वही आपकी जो सेवाएं हैं जो आपने किया है, क्या वो ताकत में तब्दील होगी, वो वोट बैंक में इजाफा करेगी, ईमानदारी से सोचने को मजबूर करेगी, या फिर सबकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये कमजोर कड़ी तो साबित नहीं होगा ये कोरोना काल इन चार चुनाव के बीच में? देखिए, कोरोना काल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम देश और मध्य प्रदेश में किया है वो अपने आप में अद्भुत है। 100 करोड़ टीके लग गए। आज जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमारे देश के अंदर 100 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवच टीके के रूप में दिया गया है। अब ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं था। और दूसरा, हम देखें तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, जिनके लगातार मोदी जी खुद जाते थे, उनकी लैब में जाते थे, उनको प्रोत्साहित करते थे, और हमारे देश ने स्वयं अपनी आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी संकल्पना है उसके अंतर्गत हमारे देश ने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने, मैं उनको बधाई देता हूं, और वैज्ञानिकों ने मिलकर सरकार के नेतृत्व में वैक्सीन तैयार की। और इससे बड़ी बात यह है कि माननीय मोदी जी ने 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए पूरा पैसा भारत सरकार से दिया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, सभी को निःशुल्क वैक्सीन की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। लेकिन सर, एक बीच में ये आया था कि जो परिवार इस हादसे से गुजरा है उसको राहत राशि, कई राज्यों में सुनने को मिल रहा है, केंद्र की हरी झंडी का इंतजार है, मध्य प्रदेश इसमें कुछ कदम आगे बढ़ा चुका था कि जिसको खोया है उसको एक आर्थिक मदद, ये रुकी है, ये टलेगी या निकलेगी या फिर बात बिगड़ जाएगी? नहीं, हम लोग इसके लिए कर रहे हैं। हम लोग जैसे मध्य प्रदेश में जो बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है, उनको मुख्यमंत्री जी ने 5,000 रुपये प्रत्येक माह देने का निर्णय किया ही है, और संबल योजना के अंतर्गत हमारे जो कवर हो रहे हैं, कोरोना में अनेक लोग संबल योजना में कवर हो रहे हैं, उनको उसका लाभ 4 लाख रुपए का लाभ वो भी मिल ही रहा है। और इसके साथ साथ आने वाले समय में और क्या हो सकता है वो भी हम लोग करें। सारे विकल्प खुले, सारे विकल्प। एक रह गया कार्यकर्ता, जो पार्टी की ताकत है, जो आप लोग हमेशा कार्यकर्ता पे फोकस बनाते हैं, इस बदलती बीजेपी में पीढ़ी परिवर्तन के दौर में नए चेहरे सामने आ गए हैं, तो क्या लगता है सर, कार्यकर्ता कुछ भ्रमित है, उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई है, या कुछ अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ गई है? अगर कहीं द्वंद्व में है पार्टी तो उसकी वजह क्या है? देखिए, अन्य दलों में और भारतीय जनता पार्टी में हम तुलना करें तो बाकी सब पार्टियां, एक तरफ सभी को हम देख लें, कांग्रेस से लेकर जितने राज्य स्तरीय दल हैं, सब परिवारवाद पर आधारित है। भारतीय जनता पार्टी पर एक ऐसा दल है देश में जो कार्यकर्ताओं पर आधारित दल है, और इसीलिए एक कार्यकर्ता जो चाय बनाने का, चाय बेचने का काम करता हो, वो आज देश का प्रधानमंत्री है। एक माननीय स्वराज जी जो एक छोटे से किसान परिवार में जैत गांव में जिनने जन्म लिया हो, वो आज लगभग 16 साल 15 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और राजनीतिक मूल स्थापित हमारी पार्टी ने किए हैं, एक आयु तय कर दी 75 वर्ष की, ये कोई दल आज तक नहीं कर पाया। परिवारवाद पर रोक लगा दी, अभी 2 चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, उपचुनाव, 4 उपचुनाव, 4 उपचुनाव में 2 उपचुनाव की अगर हम बात करें तो खंडवा लोकसभा में जो हमारे सांसद थे स्वर्गीय नंदू भैया, उनके बेटे को टिकट हम लोगों ने, जबकि वो दावेदार था, काम कर रहा था, और उसको टिकट नहीं दिया परिवारवाद के आधार पर। हमारी जो रहगांव सीट है वहां पर जुगल किशोर बागरी जी, उनका परिवार टिकट मांग रहा था, उनको ना देके एक सामान्य कार्यकर्ता प्रतिभा बागरी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। तो परिवारवाद की राजनीति देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार समाप्त कर रही है। तो बड़े बड़े नेताओं के लिए सर 2023 कहीं बड़ी चुनौती लेके तो नहीं आ जाएगा, सोचने को मजबूर करेगा कि ये सच है कि जो नेताओं के पुत्र थे या परिवार से थे वो अब नजर नहीं आ रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के पुत्र हों या मंत्रियों के पुत्र हों या प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र हों, कहीं भी नई टीम के वो चेहरे नहीं बने हैं, इनके लिए क्या संदेश होगा 2023 में? ये सीधा सीधा संदेश है कि देखिए, आप दोनों चीजें नहीं हो सकती, कि आप भी राजनीति में हो और आपका बेटा भी राजनीति में हो, समाज सेवा करे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। राजनीतिक दल के पार्टी के कार्यकर्ता टिकट एक ही को मिलेगा, टिकट एक ही को मिलेगा, आप छोड़ दो ये लाइन, मतलब
चार उपचुनाव ने तय कर दी है 2023 के लिए। बिल्कुल, पहले तो जो कैबिनेट में है या जो सांसद मंत्री विधायक हैं, अब वो तय कर लें कि उनको लड़ना है या उनके परिवार में से किसी को तय करना पड़ेगा। दोनों नहीं लड़ सकते। बिल्कुल सर, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, इन चार सीटों में जहाँ दो का आपका कब्जा रहा है, जैसे रहगांव और आपका खंडवा, ये दोनों ज्यादा चुनौती है इनको जीतना, इन पे कब्जा बरकरार रखना, या जो कांग्रेस के कब्जे वाली पृथ्वीपुर और जोबट है, इन पर इनको जीतना बड़ी चुनौती है? देखिए, चुनौती तो चारों पे मैं मानता हूँ, चुनौती चुनाव में हमेशा चुनौती मानना चाहिए, उसको कभी हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। चुनौती चारों सीटों पर है, परंतु जिस तरह से हमारी सरकार की योजनाएं हैं, माननीय स्वराज जी की जो लोकप्रियता है जनता के बीच में, मामा के रूप में जो उनके प्रति लोगों का स्नेह है, और उन्होंने जो 18 महीने में काम किया है, और इसलिए विश्वास लोगों का माननीय स्वराज जी के भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, और ऐसा कोई कारण नहीं लगता है कि हम चारों सीट ना जीतें। जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के आधार पर हम विश्वास कर सकते हैं कि हम चारों सीट जीतेंगे। आपके दावे पर यकीन किया जाए तो भाजपा की साख कसौटी उस सब कुछ दांव पर है, या फिर 15-16 साल पूरा करने जा रहे शिवराज की नेतृत्व क्षमता दांव पर है, कसौटी पर है? देखिए, शिवराज जी हमारे नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, और उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, और इसलिए उनकी लोकप्रियता भी हम लोगों के लिए उस चुनाव का लाभ मिलेगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी दल के रूप में भी हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों को मिला के ही चुनाव होता है। एक पार्टी की ताकत होती है और जो हमारा नेतृत्व होता है उसकी ताकत होती है। सिर्फ शिवराज नहीं, भाजपा संगठन, उनके प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त की भी नेतृत्व क्षमता दांव पर है। निश्चित रूप से दोनों की नेतृत्व की, विष्णु के लिए ये चुनाव कुछ ज्यादा मायने रखते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए मायने रखते हैं। जीत हो या हार, जीत हो या जो हो, वो भाजपा का है, सब कुछ भाजपा का। अब सर, ये चुनाव को क्या मानते हैं कि मुद्दा विहीन है? आप विकास की बात कर रहे हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं, कुछ जरूरी मुद्दे पीछे छूट रहे हैं, और आए दिन जो बयान आ जाते हैं वो ज्यादा चर्चा का विषय बन जाते हैं, तो लगता है कि जीवन तो ज्वलंत तो मुद्दे पीछे छूट रहे हैं? निश्चित रूप से, देखिए, अगर जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि कांग्रेस जो है वो नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, सिर्फ ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही, और भाजपा संगठन नीचे स्तर तक काम कर रहा, और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो नीचे तक लोगों के बीच में जा रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, 2 साल के ये चुनाव है, और 2 साल आप जो सरकार है उसको मौका दोगे तो आपके क्षेत्र में विकास होगा, काम होंगे। कांग्रेस का अगर कोई व्यक्ति आ भी जाएगा तो वो क्या करेगा, तो 2 साल आप विकास में पीछे रह जाओगे, और इसलिए मतलब मैं जो कह रहा हूँ कि ऐसा कोई कारण नहीं लगता कि हम चुनाव ना जीते। सर, अंतिम सवाल, अंतिम एक दो छोटे से सवाल, 2023 के पहले ये चार चुनाव, इसमें मालवा निमाड़ भी है, इसमें बिंद का रहगांव भी है, बुंदेलखंड भी है, भोपाल में सरगर्मियां तेज है ही, तो ये क्या 2023 के पहले मध्य प्रदेश का कहें कि नब्ज पर हाथ है, मिजाज और मूड जनता का पता चल जाएगा? नहीं, देखिए, उपचुनाव से जनरल चुनाव का आकलन नहीं होता, उपचुनाव एक अलग है, और उपचुनाव के कई बार मुद्दे भी अलग होते हैं, पर आम चुनाव एक अलग होता है, इसको उससे नहीं जोड़ सकते। सर, बदलती बीजेपी में प्रबंधन का चेहरा आप ही हैं, लगातार कई चुनाव से जब भी पार्टी संकट के दौर में आई या प्रबंधन के मोर्चे में जरूरत पड़ी तो भूपेंद्र सिंह जी। सर, प्रबंधन की भी कुछ चीजें बदल रही हैं क्या समय के साथ, चाहे वो मीडिया का फोरम हो या पार्टी का या कार्यकर्ता या जनता के बीच या प्रशासनिक स्तर पर, कुछ प्रबंधन की चीजें चुनौती के तौर पर बदलने को मजबूर हुई बीजेपी? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से, देखिए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी राजनीति में बढ़ रही है, जिस तरह से बाकी चीजें राजनीति में है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो हर चुनाव में एक नया अनुभव हम लोगों के सामने आता है। तकनीकी का जिस तरह से उपयोग हो रहा है उसका सामना करना हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती होती है, तो आज का चुनाव तकनीक से जुड़ा हुआ चुनाव है, और इसलिए तकनीक के मामले में भी हमें उतना ही एडवांस रहना पड़ेगा जितना आवश्यक है। कोई ऐसी बात जो भूपेंद्र सिंह कहना चाहते हो? नहीं, मैं ये मानता हूं कि हर कार्यकर्ता को पार्टी में जो जिम्मेदारी दे पार्टी, उसको हमेशा उस जिम्मेदारी को पूरी ताकत के साथ, विश्वास के साथ निभाना चाहिए, और पार्टी अगर आप पे विश्वास कर रही है, पार्टी ने अगर आपको जिम्मेदारी दी है, तो पूरी ताकत से उस काम को
करना चाहिए और हमारा राजनीतिक आधार भारतीय जनता पार्टी से, हमारा राजनीतिक भविष्य भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए हर